हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाते हैं कोफ्ते, जो मैंने बनाए हैं केले से, आलू से और पनीर से। तीनों चीज़ें मिक्स की थी दोस्तों। केले मेरे पास रखे हुए थे, तो केले ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे। तो इधर मैंने आलू भी साथ में बॉयल कर लिए, केले के साथ आलू भी बॉयल किए हैं। केले एक सीटी आने तक बॉयल करेंगे। इधर पनीर रखा था थोड़ा सा, उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लिया है, ग्राइंड कर लिया था एक बार। तो हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, ताकि हमारा हल्का सा जो है पेस्ट सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल चीज़ी चीज़ी हो गया है। इधर आलू और केले हमने पील कर लिए थे, तो इनको क्या करेंगे, पील करने के बाद ठंडे कर लेंगे। ठंडे करने के बाद इनको फॉर्क की सहायता से, चम्मच से या पोटैटो मैशर से आप इसको मैश कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से मैश कर लीजिएगा। इसमें डालेंगे पनीर। इधर हमने ले लिया है आलू, केले और पनीर, तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे, एक थाली में, परात में, जिसमें आप निकालना चाहें उसमें निकाल लीजिएगा। मिलाएंगे तो थोड़ा बड़े बर्तन में निकालिएगा दोस्तों। इधर मैंने डाली हरी मिर्च, अदरक, प्याज डाल दिया है। इधर डाल देंगे सूखे मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक इधर डाल देंगे। ये हमने डाला है अमचूर पाउडर, ये डाला है भुना हुआ जीरा हमने, ये डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक। ठीक है, ये डाल देंगे दो चम्मच हम घी, देसी घी। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो कोफ्ते बनेंगे वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, तो कोफ्ते हम इस तरह से बनाएंगे। और इसमें डाली है दो चुटकी मैंने हींग। इधर डाल देंगे दो चम्मच बेसन दोस्तों। तो बेसन हम इतना डालेंगे कि हमारा बाइंडिंग हो जाए। ठीक है, उतना ही बेसन लेंगे जितने में बाइंड हो जाए, ज़्यादा बेसन नहीं लेंगे। ज़्यादा बेसन लेने से क्या होगा, कोफ्ते हमारे टाइट बनेंगे। अगर सॉफ्ट कोफ्ते आप चाहते हैं दोस्तों, तो बेसन उतना ही लीजिएगा जितने में बाइंडिंग हो जाए। इधर कोफ्ते के लिए सारा जो हमने लिया था, इसको क्या करेंगे, अच्छे से हाथ से मिला के, मिलाने के बाद अच्छे से इसको एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। देखिए अच्छे से मिल गया है। इधर दोस्तों हमने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि आप डालना चाहे डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसको भी मिला देंगे। इस समय मैंने धनिया डालना भूल गई थी दोस्तों, मुझे याद नहीं रहा था। आप हरा धनिया डालिएगा, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। ये देखिए, आप ओवल शेप में बनाइए, राउंड शेप में बनाइए, जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं कोफ्तों को, उस शेप में बना लीजिएगा। बॉल शेप में बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं। ये देखिए यमी यमी एकदम। अब ये फ्राई करेंगे कढ़ाई में। इधर ले लिया मैंने सरसों का तेल, इनको फ्राई कर लेंगे दोस्तों। आप अगर स्नैक्स की तरह इनको खाना चाहें चाय के साथ, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं दोस्तों। तो आप करके देखिए, बना के देखिएगा। अगर आप टी टाइम के लिए चाहिए आपको चाय के साथ के लिए स्नैक्स, तो ये बहुत अच्छा स्नैक्स है, बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। हरी धनिया की चटनी हो, लाल टमाटर की चटनी हो, मूंगफली नारियल की चटनी हो, किसी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ बनाइए और खाइए, बच्चों को खिलाइए। ये देखिए, और सब्जी में बनाना चाहें तो ग्रेवी आप तैयार कर लीजिए, तो जिस तरह से मैंने बनाई है उस तरह से ग्रेवी में डाल सकते हैं, चावल के साथ, पूरी पराठे के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। चलिए, तो ये हो गए हैं हमारे तैयार कोफ्ते, फ्राई हो गए हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, और लो फ्लेम जो गैस की रहे वो लो रहे, ठीक है, स्लो फ्लेम में, मीडियम भी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि ये धीरे धीरे से सिकते हैं ना तो अंदर तक सिक जाते हैं और अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं ऊपर से। देखिए लेयर इनकी ऊपर से क्रिस्पी हो गई है और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक तोड़ के, तो इस तरह से बनाइएगा दोस्तों, और चाय के साथ इंजॉय कीजिए, बच्चों को भी दीजिए, इस स्टेज पर आप निकाल के चाय के साथ चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा स्नैक्स है ये। चलिए तो ये ग्रेवी की करते हैं तैयारी। इधर मैंने एक बाउल में ले लिया है अमचूर मसाला 1 चम्मच, इधर 3 प्याज, लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्च, ठीक है। टमाटर थे नहीं दोस्तों मेरे पास, दही भी था नहीं, तो मैं इसको आज अलग तरीके से बना रही हूँ थोड़ा हट के। तो इधर ले लेंगे कसूरी मेथी, जिस बाउल में हमने लिया था अमचूर पाउडर उसी में हमने कसूरी मेथी ले लिया है, नमक ले लिया है, इधर ले लिया है धनिया पाउडर ले लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा ऐड करेंगे लाल मिर्च, ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला, ठीक है। भुना हुआ जीरा भी आप डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा हम कोफ्ते में डाल चुके हैं पहले। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको तोड़ के दिखाया है कितना सॉफ्ट है, ऊपर से लेयर इसकी कितनी क्रिस्पी थी। ये देखिए इस जार में हमने पनीर को ग्राइंड किया था, इसी जार में हम ग्रेवी को भी पीस लेंगे, ग्रेवी के लिए प्याज वगैरह पीस लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, इसमें अगर पनीर आप थोड़ा सा डालना चाहें या काजू डालना चाहें, काजू थोड़ी देर पहले भिगो दीजिएगा तो आपकी ग्रेवी और अच्छी सी रिच हो जाएगी, टेस्टी बनेगी, यमी बनेगी। मैंने आज सिंपल सा बनाया था, मैंने आपको बताया मैं नहीं चाह रही थी कि ना काजू ना पनीर ना कोई चीज़ डाल के इसी तरह से बनाना चाह रही थी, मुझे ऐसे बहुत यमी लगता है। चावल के साथ पूड़ी पराठे के साथ आप इंजॉय करिएगा दोस्तों, इस तरह से बना के जिस तरह से मैंने बनाया है। इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट के इसकी पेस्ट बना लिया है हमने, इसको साइड में रखेंगे और इस बोल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी, ठीक है। दही हो इस स्टेज पे आप दही डालना चाहें तो डाल सकते हैं, दही डाल के मसाले फेंट सकते हैं मिक्स करके। तो मैंने आज पानी लगाया डाल दिया है, इसमें क्या होगा मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे, है ना, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे मसाले। इधर हम लगा देंगे एक फ्राई पैन में सरसों का तेल, जैसा कि मैंने बताया कि आप सरसों के तेल में, देसी घी में, रिफाइंड में, जिस पर बनाना चाहें उस पर बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन सरसों का तेल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आप इसमें बनाइए, घी में बनाइए, जैसे एंजॉय करना चाहें, सब्जी को बनाना चाहें आप, आपके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर डाला है हमने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डाली है हींग, जैसे हींग और जीरा तड़केगा डालेंगे थोड़ा, 1 प्याज हम कट करके डाल देंगे। आप इस स्टेज पे ना डालना चाहें तो नहीं डालें, स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट और अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा दोस्तों। इधर डालेंगे एक लाल मिर्च हम तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में, खड़े मसाले डालेंगे, ठीक है, थोड़े से ये पेस्ट हम अभी दिखा रहे हैं लेकिन अभी डालेंगे नहीं दोस्तों, इसमें लाल मिर्च डालेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा ट्रांसलूशन होगा, कलर चेंज होगा जैसे ही प्याज में, उस स्टेज पे हमको क्या डालना है, एक मिर्च तोड़ के लाल, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं तोड़ के। इधर इलायची डाल दी है, मिर्च हमने बाद में डाली थी, ये देखिए इलायची डालने के बाद मिर्च डाल देंगे आप तोड़ को, तो आप इसको मिर्च को और मसालों को अलग निकाल के रख दीजिएगा, मैंने निकाले नहीं थे, मैंने झटपट बनाई जल्दी जल्दी, सो मैंने क्या किया है उठा के रख दिया है, ठीक है। तो इसमें सारे मसाले हम, ये देखिए काली इलायची जो होती है मसाले वाली बड़ी वाली, उसको हम खोल के और थोड़ी सी डालेंगे, 1 इलायची हरी डाली है, दालचीनी डाली है थोड़ी सी, ठीक है, इधर हमने पेस्ट जो प्याज का तैयार किया था वो हम डाल देंगे।
ठीक है। पेस्ट डालने के बाद हमने जो मसाले पानी डाल के मिलाए थे ना, जो सूखे मसाले थे, वो भी इसमें डाल देंगे। देखिए कलर इतना अच्छा आता है दोस्तों, इस तरह से बनाइएगा। अगर आपके पास टमाटर ना हो तब भी काम चल जाएगा, आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी खट्टापन आएगा और टेस्ट में कोई अंतर नहीं रहेगा दोस्तों। टेस्ट इतना अच्छा था सब्जी का, इतनी यम्मी बनी थी कि बच्चों ने बहुत तारीफ़ की और सच में बहुत अच्छी बनी थी। बना के देखिएगा दोस्तों, तो आपको भी पता चले जिस तरह से मैंने बनाई उस तरह से बनाइएगा। इधर हमारी ग्रेवी में अच्छे से तेल छूट गया है, अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, उतनी ही रखेंगे जितनी हमारे कोफ्ते हैं, ठीक है। और इसमें आप इस स्टेज पे आप अगर डालना चाहें दूध की क्रीम, मलाई, जो भी आपके पास हो फैट के, डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा ग्रेवी में अंतर आएगा, मतलब क्रीमी क्रीमी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह बनाना, तो वैसे तो मैंने जिस तरह से बनाई है सिंपल तरीके से, इस तरह से बनाई है। आप कोफ्ते तैयार होने के बाद उसमें क्रीम डाल सकते हैं बाद में। इधर मैंने क्या किया है, कोफ्ते इसमें सारे डाल दिए हैं। अगर आप खाने तुरंत जा रहे हैं तो दोस्तों, अगर ग्रेवी आपकी तैयार है तब कोफ्ते डालिएगा, नहीं तो क्या होता है ग्रेवी सारी सोख कर लेती है, कोफ्ते जो होते हैं ना वो सारी ग्रेवी सोख कर लेते हैं, तो ग्रेवी कम हो जाती है राइस के खाने के लिए कम हो जाती है। तो इस तरह से जब आपको खाना हो तुरंत तभी कोफ्ते डालिएगा। बस मैंने तुरंत सर्व किया था बच्चों के लिए, धनिया से गार्निश कर लेंगे, इंजॉय करेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी बनी है, कोफ्ते एकदम टेस्टी यम्मी बने थे दोस्तों। राइस के साथ, पूड़ी पराठे के साथ इंजॉय कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये मत भूलिएगा कि नीचे जो बेल आइकन की बटन है उसको प्रेस करना, तो प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।